लगाना चाहते हैं उन्हीं के घर में लगाया जाए, जो नहीं लगाना चाहते हैं उनके घर में नहीं लगाना चाहिए लगाया जाए। स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उन चुसने वाला स्मार्ट मीटर वापस लो, वापस लो, वापस लो। प्रशासन की तरफ से बॉक्सर के सीए साहब आए हुए हैं हम लोगों के बीच में। बिजली विभाग में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर के बड़े लेवल पे धोखाधड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें एक आईएएस के लेवल के अधिकारी को गाड़ी दी गई है, गिफ्ट की गई है और कई लेवल पे घूस दिए गए हैं। उसके बाद जनता सहित जनप्रतिनिधियों में उबाल है, गुस्सा है कि किस तरीके से बिहार सरकार जो है स्मार्ट मीटर लगा करके गरीबों का खून चूसने का काम कर रही है, ऐसा नेताओं का दावा है। ऊपर की जनता पर से फर्जी मुकदमा वापस लो, वापस लो, ऊपर बेतहाशा से फाइन मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप किसी को समझाते नहीं है, किसी से बात नहीं करते हैं, जबरन जाकर ठोक देते हैं कि किसी के यहाँ छापा मार देते हैं, कहीं से जो है फाइन उठा देते हैं। तो बिजली विभाग की लगातार जो चल रही है रंगबाजी, इस रंगबाजी पर रोक लगना चाहिए। आपका जो ये बक्सर समाधान के समक्ष जो प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर के हम पूरे बड़ी आंदोलन की तैयारी में आपके जो स्मार्ट मीटर को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग कृत संकल्पित रहेंगे। तो वहाँ के जेल में हमारे 5 प्रतिनिधियों पर, जिसमें बीडीसी मुखिया और सरपंच और 2 अन्य के गांव के साथी थे, उनको जो है FIR दर्ज कर दिया गया। भाकपा माले के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता आज बक्सर जिला कलेक्ट्रेट के गेट पर खड़े हैं और ये सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया है वो गैर कानूनी है। सरकार कोरोना में मजबूर जनता से भी टैक्स ले रही थी, ये वही सरकार है जो जनता का खून चूसना चाहती है और टैक्स का बोझ जनता के सर पर डाल देना चाहती है। आज महंगाई कितना ज्यादा है, तो बिजली विभाग में भी जनता के साथ यही अन्याय चल रहा है, वो शोषण करके जनता के घर से पैसे की उगाही कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर स्पष्ट तौर पर पैसे की उगाही है, आपको पता होना चाहिए। अभी तो 2-3 दिनों से अखबारों में ये खबरें हिट कर रही है संजीव हंस को लेकर। संजीव हंस नीतीश कुमार जी के दुलरुआ IAS अधिकारी हैं। जब वो पुल निगम में थे तो पुल में घोटाला किए, जल संसाधन में थे उसमें किया, और जब वो बिजली विभाग के MD रहे लंबे समय तक, तो ED के जांच में यह स्पष्ट पाया गया है कि स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसी ने उनको मर्सिडीज गिफ्ट दिया है। आप सोचिए कि स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसी उनको जो है मर्सिडीज क्यों देगी, सिर्फ मर्सिडीज नहीं मंत्रियों को भी पैसा दिया गया होगा। तो यह स्मार्ट मीटर जबरन लगा करके जनता से पैसा चूसने की कोशिश की जा रही है। स्मार्ट मीटर का रीडिंग जिस तरीके से बढ़ रहा है, वैसे ही बिहार के लोगों का हार्ट का रीडिंग भी बढ़ रहा है, और इसी वजह से तमाम लोग बक्सर के किला मैदान से लेकर के समराला तक पहुंचे हैं और यहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सामने कलेक्ट्रेट है और यहां पे सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं, लेकिन हालांकि अभी दरवाजा बंद करके गेट बंद करके तमाम भाजपा माले के नेता जो लोग हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिजली देनी होगी, बिजली विभाग ने एक आदेश जारी किया है कि जो बिजली कर्मी है अगर वो स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे तो उनके वेतन में कटौती होगी, उनपे कार्रवाई होगी, इसको कैसे देखेंगे? विभाग ऐसे ही करता है ना, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों पर कार्रवाई करते हैं। बेचारे जो है मिस्त्री लोग मानव बल वाले गाँव में जाके लात जूता खा रहे हैं, इसके जिम्मेदार भी तो उनके ही अधिकारी है। जनता तो समझ नहीं रही है स्मार्ट मीटर के बारे में, और जबरदस्ती लगाने जाइएगा तो जनता लात जूता तो खिलाएगी ही, तो ये तो उनको समझना चाहिए कि अपने अधिकारियों को भी वो जो है काल के गाल में डाल रहे हैं। इसके अलावा एक और मुद्दा है जिसमें फर्जी तरीके से FIR की बात कही जा रही है, और इस FIR को वापस कराने के लिए, मीटर को वापस कराने के लिए, और कई लेवल में जो बिजली विभाग के द्वारा धोखाधड़ी की जा रही है, जो गरीबों पे FIR की जा रही है, उसके खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं।